दही चूरा के साथ ये कोहरा का सब्जी एंटीडोज है जो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है हर हर किसी हर किसी के हिंदू के घर में ये आधा के जी से लेकर कुछ बीत के लिए चाहिए ज्यादा जी हाँ कदीमा तो लेना जरूरी है मकर संक्रांति पर इसके बिना उसकी महत्व नहीं होगी नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज मेरा विषय है कल मकर संक्रांति जिसको लेकर बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है विभिन्न बाजारों में कदीमा कोमरा कहा जाता है इसे कई जगहों पर कदीमा भी कहा जाता है उत्तर बिहार में और इसकी बिक्री बढ़ गई है देख सकते हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर बाज़ारों में है कदीमा और लोग इसकी ख़रीदारी करने आए हुए हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग देख रहे हैं ख़रीदारी करने पहुंचे हुए हैं और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से कदीमा घर ले जाए और इस तरफ देखिए आप पूरा स्टॉक है कदीमा का और कुमरा का इसको कुमरा बोला जाता है और पूरा स्टॉक है यहाँ पर देख सकते हैं बड़े पैमाने पर जिधर भी जाइए वहाँ कुम्हरा का स्टॉक ही स्टॉक दिखाई दे रहा है क्योंकि मकर संक्रांति पर इसका बहुत महत्व है आ, क्या कदीमा देखने आए हाँ कदीमा तो लेना जरूरी है मकर संक्रांति पर इसके बिना उसकी महत्व नहीं होगी श्राद्ध में और मकर संक्रांति में कदीमा की आवश्यकता पड़ती है इसलिए कि यह एक बहुत बड़ा पौष्टिक तत्व है इसमें हड्डी को मजबूत करता है दिल को मजबूत करता है दिल के दौरे को रोकता है यह एक अजूबा प्रकृति प्रदत्त है परंतु दुर्भाग्य है बिहार सरकार ने इस पर कोई नज़र नहीं रखा किसानों के लिए किसान इस बार तो मर रहे हैं इसकी दाम नहीं मिल रही है लोगों को उपजाने में जो खर्च लगी है भाड़ा लगी है बाजार में इसका कोई दर नहीं मिल रहा है तो बहुत बड़ा होता है लोग इसको सब एक एक ले जाते हैं नहीं जो बड़े होलसेलर होते हैं इसमें से क्विंटल दो क्विंटल ले जाते हैं फिर इसको वहाँ पर रिटेलर लोग काट काट कर तोड़ तोड़ कर एक किलो आधा किलो तक बेचते हैं हाँ आधा किलो तक बेचते हैं हाँ काट काट कर बेचा जाता है महत्व बहुत ज्यादा है मकर संक्रांति में अनिवार्य रूप से कोहरा बनना है यह बिहार की परंपरा रही है सभी घरों में सभी घरों में यह परंपरा है बिहार के एक दूसरे को खिलाते खिलाते हैं। भी है प्रेम से बहुत अच्छे ढंग से इसमें ए, कहीं कोई गुड़ डाल के शक्कर डालकर भी बनाते हैं मीठा कुम्हरा कहीं कोई तीखा कुम्हरा बनाते हैं तो लहसुन और हरी मिर्चा वगैरह आदि वगैरह देकर बनाते हैं और भी दुकानदार भी अच्छा क्या रेट चल रहा है कुम्हरा का पंद्रह रुपये बिका है पंद्रह से बीस किलो जी जी पंद्रह रुपये किलो जी अच्छा इतना बड़ा बड़ा आता है इसमें कितना वजन आता है सात के जी से लेकर बीस के जी तक कर दिना भी बिकता है श्राद को लेकर और यह मैंगो जूस में संक्रांति का फ्लेवर जी हर हर किसी के हर हिंदू के घर में ये आधा के जी से लेकर कुछ बीत के लिए चाहिए ज्यादा बिकता होगा मकर जी और भी कुछ ग्राहक भी है जो देख रहे हैं क्या अंकल जी कुछ पसंद आया कि नहीं हाँ पसंद तो आया हाँ, पसंद, पसंद आया, आया। इसलिए कि अभी इस मौसम में ये एंटीडोज़ है दही चूरा के साथ ये कोहरा का सब्ज़ी एंटीडोज़ है जो इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और बड़े बड़े डॉक्टर ये कच्चा कोहरा खाने के लिए इसलिए कहते हैं कि ये दिल का दौरा को जो है सीमित रखता है क्या कोई पसंद आया कि नहीं हाँ, पसंद तो आया इसका महत्व है महत्व है अपने बिहार में इसका जो है मकर संक्रांति में और श्राद्ध कर्म में इसकी ज्यादा पूछो मकर संक्रांति हाँ तो मकर संक्रांति में तो ये एंटी डोज है इस बेदर में एंटीडोज है इसलिए लोग अवश्य कर हर घर में दाम करीब करीब ठीक है गृहस्थ बेचारे को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है बाज़ार में खरीदने वाला तो चाहता है कि चलो हम तो एक लेंगे उसी को पूरे परिवार में बांट लेंगे तो एक लेना है और तो खरीदारी खूब हो रही है और देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों की भी खरीदारी हो रही है इधर छिमनी उमनी सब चीज़ है चीज़ों की खरीदारी हो रही है बाजारों में ग्राहक भी दिख रहे हैं और ख़रीदारी भी हो रही है क्या कहेंगे हाँ अच्छी है है चुकंदर भी का सेम किलो मटर तो कोमरे के बाजारों में देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है कोमरा काफी बड़े पैमाने पर कोमरा है और इसका दाम भी ठीक है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं लोगों में उत्साह है मकर संक्रांति पर इसका काफी महत्व है जिसको लेकर खरीदारी की जा रही है तो बह रही है लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फेसबुक पेज को लाइक करिए